Good morning, friends, and once again welcome from sharestradingschool.com. Today 1st November 2019 Nifty ke analysis mein hum log jo dekh rahe kuch din se ki Nifty ne cup and handle formation daily chart mein complete karne ke baad first target jo ye handle formation ka hai wo already achieve kar diya hai. Now looking into current formation, ye jo hum dekh rahe ye actually इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन या इवन शूटिंग स्टार के रूप में देखा जा सकता है. अनफॉर्चुनेटली इसका जो शेडो है वो काफ़ी छोटा है कंपेरेटिव टू फॉर्मेशन, यानी जनरली फॉर्मेशन में इस तरह के जितना लंबा शेडो रहेगा उतना इम्पैक्ट ज़्यादा आने के चांसेस होंगे. इतना ही दिख रहा है कि ये फॉर्मेशन कंप्लीट जब हुआ है, यानी ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद जो पुश बैक हुआ है और नीचे आके ओपनिंग के नीचे क्लोज हुआ है, but that closing is almost at a 61.8% retracement support level. और ये chances हो सकते हैं कि ये level support का काम करे और यहाँ से market वापस ऊपर जाने की कोशिश करे. Inverted hammer या shooting star formation जब भी create होता है उसके बाद उसका confirmation होता है and previous day जो होगा उसके low के नीचे जाके close होना, यानी इसका जो low है वह 11,784 के नीचे जाके क्लोज होने के बाद बेरिशनेस यानी करेक्शन शुरू हो सकता है. करेक्शन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन है. सो अभी फिलहाल जब तक ये 11,490 के नीचे नहीं जाएगा डाउन ट्रेंड का कोई स्कोप नहीं है. सो अब ये यहाँ से जो नीचे आएगा वो सिर्फ करेक्शन होगा. कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का एक खासियत ये रहता है कि जब आई विल जस्ट शो यू कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में सपोज कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जब हम देखते हैं तो ये सपोज फॉर्मेशन कंप्लीट कप फॉर्मेशन क्रिएट हुआ कर्वेचर फॉर्म में एंड हैंडल फॉर्मेशन ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद इसकी जो ब्रेकआउट लेवल है ये जैसे ये ब्रेकआउट लेवल है यहां से जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद नीचे आके सपोर्ट के लिए इस नेकलाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस हो सकता है. सो वो जो करेक्शन है ये फेज जो है ये करेक्शन का फेज है और शायद यही फेज अब हमें देखने को मिलने के चांसेस है. सो अगर हम अभी इस में अगर देख ले तो हमारा जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो एस्टैब्लिश हुआ है ना तो ये जो फॉर्मेशन हमने बनाया दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल. ब्रेकआउट आया है जितना हैंडल का हाइट है उतना ऊपर जाने के बाद ये जब नीचे आएगा तो इस नेकलाइन पे वो सपोर्ट लेगा और वो नेकलाइन है 11,694. सो ऑलमोस्ट 11,700 की लेवल अगर राउंड फिगर में देखे तो ये सपोर्ट का काम कर सकती है. सो ये करेक्शन ये जायज ऑब्वियस है. राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन है, मूविंग एवरेजेस सेटअप कंप्लीटली बुलिश फॉर्म में है. सो ये करेक्शन अगर जायज है तो डेली चार्ट के हिसाब से ये करेक्शन ड्यू है, लिया जा सकता है. नाउ कमिंग टू इंट्राडे फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे आयरली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी और हम बहुत टाइम से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं. ये ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो दिस ट्रेंड लाइन वॉज ब्रिज्ड ऑन 23rd October और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के रूप में इसने बार बार रिटेस्ट किया है, लगातार इस ट्रेंड लाइन को ऊपर काटने की कोशिश करने में फेल हुआ है और वहां से ये कल एक छोटा सा फॉर्मेशन लास्ट बेरिश लास्ट आर में यानी लास्ट सेकंड लास्ट आर में एक बेरिश बार फॉर्म हो के नीचे 20 की ईएमए के आसपास आने की इसने कोशिश करी है जो कम्प्लीटली आया नहीं है. 61 पॉइंट रिट्रेसमेंट पे आर्ली चार्ट में वो वहां पे क्लोज हुआ है. सो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो उसका 11,967 का है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एक्सटेंशन के 76.4% पे है. नाउ अगर इसको हम एनालाइज करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो फिलहाल मार्केट एक साइडवेज फॉर्मेशन है और 20 के ईएमए तक सपोर्ट टेस्ट कर सकता है और वो लेवल है 11,843 का. ऊपर का रेजिस्टेंस 11,930 और नीचे का 11,840. सो 11,930 और 11,840 के बीच में मार्केट फिलहाल रहेगा. अगर ये लेवल इसने तोड़ी तो ऊपर का 11,930 की लेवल अगर ऊपर तोड़ी उसने
तो ऊपर का रेजिस्टेंस इसको 11,967 का है। अब ये तोड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे तोड़ेगा या ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड लाइन तक जाने की कोशिश कर सकता है। सो पहला रेजिस्टेंस 11,967 है। अगर नीचे का 11,840 का लेवल ये तोड़ता है तो उसके बाद नीचे 11,802 का सपोर्ट है। ये हमें आर्ली चार्ट के हिसाब से टारगेट दिखते हैं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने 15 मिनट में इसको ऑब्जर्व किया है। सो ये ट्रेंड लाइन जिसने काफी अच्छी तरह से सपोर्ट दिया जो बाद में रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट कर रहा है, इसी के साथ अगर हम कंपेयर करते रहे हायर हाइज हो रहे लेकिन नीचे RSI में लोअर हाइज चल रहे हैं, और इसका मतलब मार्केट ने डाइवर्जन एस्टैब्लिश करने शुरू किया है लोअर टाइम फ्रेम में, दैट इज 15 मिनट चार्ट। सो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से ये डाइवर्जन है एस्टैब्लिश होने के बाद एट लास्ट आर इसने करेक्शन लिया और 50 EMA के सपोर्ट पे और 61.8% रिट्रेसमेंट के सपोर्ट पे ही आके क्लोज हुआ है। सो मुझे इसका करेक्शन में ऊपर जाने की जगह इसका नीचे आने का चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे। सो ये नीचे आएगा तो 11,802 का सपोर्ट जो है ये 100 के EMA का सपोर्ट है। सो जैसे हमने कहा हम वेट करेंगे 11,930 के ऊपर लॉन्ग, 11,840 के नीचे शॉर्ट, 840 के नीचे शॉर्ट करने के बाद नीचे का टारगेट 802, ऊपर लॉन्ग करने के बाद ऊपर का टारगेट 11,967। जैसे ही 11,840 नीचे टूटेगा जब शॉर्ट हम करेंगे तो ऊपर का ये जो लेवल है 11,930 का ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। अगर 11,930 टूटता है तो 11,840 ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। और आज ये दो छोटे से टारगेट लेके हम पोजीशन क्लोज करेंगे, ओवरनाइट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे, गुड डे।